कौन गिरफ्तार हो लगा है? कौन गिरफ्तार हो लगा है? अरे ना खराब हो ला ये खराब पर दे दे रहे गिरफ्तार कर ले बड़ा बदमाश है 28 मार्च में गिरफ्तार। हेलो जी राणा सुनावला आपने देखा था। तो सुबह की जी बस खबरें चल रही होती हैं सियासत पे, और मैं टीवी देखती, मेरा खबरनामा अबू जी है, सारा दिन मुझे खबरें माशाल्लाह जी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तो जो कि बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जा रही है जी चाय अबू जी और मेरे लिए, बाहर धूप देखे, तो ये जो टी टाइम है, बच्चों की स्कूल टाइमिंग लेट हो गई हुई है, तो बच्चे अब लेट आएंगे, तो फिर गैस चली जानी थी, 3 बज रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जी चाय बना लूँ, फिर गैस चली जानी है, तो बच्चे जब आएंगे तो उनको फिर खाना वगैरह दूंगी, तो मैं कहा मैं और जी मेरी अबू जी हम बैठ के चाय पी लेंगे, देखेंगे। ये जो फ्रूट लेने आई हूँ जो मैं, ये खरबूजा ये लिया जो मैंने फ्रूट जी ने बहुत शौक़ था मुझे देखने का, तो लो जी ये देख लें काले बाए में, ये मैं हूँ। जे डॉट पे आई थी, कुछ शर्ट्स किसी ने कहा था तो वो देखने में आई थी, पर ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, कलरफुल सी, समर के लिए बहुत अच्छी बनी हुई थी और रिजनेबल प्राइस थी, तो मैंने कहा मेरे पास टाइम कम है, तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा आऊँगी और दोबारा विज़िट करूँगी और दोबारा और बाय भी करूँगी। तो ये जी जा रहे हैं हम रहीला की तरफ, डिनर था ये जी, मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, यहाँ पर हमारा डिनर है, बाकी है वो मुझे पता है, मैं अपना फेस नहीं लेती, तो ऐसे मैं किसी का भी नहीं लेती। शादी पे मुझे जाना है, दोस्तों को टाइम देना है, सोशल लाइफ अपनी सारी पूरी करनी है, शॉपिंग करनी है, साथ अब घर का इंटीरियर भी कर रही हूँ खुद ही होम डेकोर वालों से, मैं और सब ना मिल के सारा को डिसाइड करने ये हमारी जी एक और बड़ी प्यारी फ्रेंड आई हैं समरा रुबाब, जो कि 16-17 साल से जी वाम की खिदमत में है। वाम की खिदमत में वो किस तरह है कि जी दारुल मान इनके अंडर है और ये वहाँ की हेड कह लें, सुपरिटेंडेंट कह लें, तो इनके अंडर काफ़ी औरतें जो वहाँ पे आती हैं दारुल मान में बड़ा अच्छा काम सीखती हैं, ज़िंदगी के रहन सहन के तरीके, और ये बड़े आप इनसे ये जी नहीं बच्चियां बीच में किधर, हाँ जी वेरी ब्यूटीफुल भाई यार, ये टर्किश सेट बहुत प्यारा है ना, बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस। ये कहाँ से लिया रे हिला? ये मैं सऊदी से लिया, ये वाला ये रैबिट ही है ना, अच्छा मेटल में है, मेटल में है। लें जी ये डाइनिंग टेबल आ गई, जिस पे बैठ के हमारा इम्तिहान लिया जाएगा जी। ये चिकन बिरयानी थी, ये फ्राइज थे, ये सैलेड था, ये वाइट चिकन कढ़ाई थी जो क्रीमी थी आई थिंक, और ये जी छोटे से शामी कबाब थे छोटे छोटे साइज़ में और ये इधर जी चिकन कबाब थे जो कि बड़े मज़ेदार थे, बड़ा अलग सा इनका टेस्ट था, और ये जी फ्राई फिश थी, और ये जो मिट्टी की हांडी आपको नज़र आ रही है, मुझे सबसे इंप्रेस किया इस डिश ने, किया बहुत ही आउट क्लास बनी हुई थी, बहुत मज़ेदार, वेरी यमी।
तो जी माशाल्लाह काफ़ी कुछ बनाया हुआ था रहीला ने, और ये साजी मिंट मार्ट ग्रेटा भी थी घर की बनी हुई, बहुत लजीज़। ये जी समरा भी यहाँ पे कैप्चर कर रही हैं, तो हर कोई बस जी अपने अपने काम लगा सी। इतने में वैसे ना इस चक्कर में खाना काफ़ी ठंडा हो गया था, और जी चिकन पीस भी थे जो कि अभी ये बच्ची लेके आई है, और ये इधर खड़ी हैं जी, ये रहीला हैं जी हमारी मेज़बान थी, बड़ी अच्छी मेज़बान, बड़ी अच्छी इनकी मेहमान नवाजी थी। और ये समरा हो गई, और एक वो जो जिन्होंने मस्टर्ड मेहंदी से सूट पहना हुआ वो साइमा है, मैंने जैसे कि आपको बताया भी था। तो ये देखें जी टेबल कितनी खूबसूरत, माशाल्लाह कोई ऐसा कोना नहीं था कि बंदा के कोई और चीज़ यहाँ पे आ सकती है। और ये हमारी जी लैला बुखारी हैं, और बस सारी अभी खड़े थे। और ये जी मीठे में देखें, ये था फलूदा, इतना मज़ेदार, जो कि ऊपर ये आइसक्रीम के साथ पेश किया था, और इसका नाम है जी समरा स्वीट डिश। ये समरा की ईजाद, और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। और यहाँ जी साइमा कह रही थी मैंने भी बनवाने हैं इस तरह के कड़े, और ये जी लैला के कड़े बड़े पसंद आए, तो उसने कहा जी इस तरह के मैं भी बनवा लूँ। तो मैंने कहा हाँ बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, यूनिक सा है, तो आप भी ट्राई करें। और एक हमारी यहाँ पे और भी ज्वेलरी की बड़ी दिलदाद हैं जी, बड़ी अच्छी कलेक्शन उनके पास होती है, और रहीला भी ज्वेलरी की काफ़ी शौकीन है, तो अच्छी रिंग्स इनके पास होती हैं, अच्छे नेकलेस इनके पास होते हैं। आज भी उन्होंने बड़ी अच्छी रिंग पहनी हुई थी, मैंने कहा जरा और रहीला अपनी ज़रा रिंग तो दिखाओ, ये देखनी माशाल्लाह रिंग, ये दोनों रिंग देखे। और हाँ जी ये जो सोफ़ा है, ये जो समरा है, इनके हस्बैंड है चनोट में, चनोटी काम फर्नीचर का करते हैं, शोरूम है उनका अपना। और ये दीवान देखे कितना अच्छा बना हुआ, और ये बेड भी रहीला ने समरा के हस्बैंड से बनवाया था, और वे को शीशे में आया। तो ये जी बेड था, वो कह रही थी ये रहीला के भी कैप्चर करो इसको, अच्छा बन के भी मेरा आया। मैंने कहा अच्छा, ये सोफ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, टू सीटर था, रेक्सियन या लेदर टाइप में बना हुआ था, बड़ा अच्छा। ये जी हम जा रहे हैं रहीला की तरफ, आए हुए थे, तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी फेवरेट गाड़ी है, फॉर्चूनर, मैं फॉर्चूनर कैप्चर कर रही। नहीं नहीं मैं कभी नहीं देखी बहन, मैं गरीब बंदा हूँ, नजदीक तो मैं कभी नहीं देखी फॉर्चूनर। नहीं 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 यार माशाल्लाह जी, ये इन्होंने नहीं लिए जी, मुबारक हो आपको बहुत। तो यहाँ पे जी खा पी के हम सब निकले, लैला ने हमें सबको ड्रॉप करना था, क्योंकि जो थी साइमा की गाड़ी वो कहीं और चली गई थी, ज़रूरी काम था उनके हस्बैंड को, तो वो नहीं आ सके, तो हमने कहा जी लैला सबको ड्रॉप करेगी। और हीला का बहुत शुक्रिया, बहुत ही ग्रेट डिनर था, बहुत बड़ा इंजॉय किया, और सबसे बात हो जी इज़्ज़त रिस्पेक्ट की, जो कि हीला ने बहुत दी अपने घर आने की, बड़ी खुशी हुई। तो ये बस ये गप्पे मारते हुए हम अब जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने मुझे ड्रॉप करना था, फिर ज़ारा को करना था, और फिर उसके बाद जी एंड पे साइमा को करके फिर लैला ने वापस जाना था। ये देखिए जी जेब खर्च मिलने की मुझे अपने पैसों से ये मंगाया गया है, हका लाल के पैसों का, क्योंकि अपनी जेब खर्च है ना। मैंने कहा बेटा जी अपने पैसे कढ़ो तो मंगवाओ तो खाओ, तो कहते मैंने नहीं खानी सब्ज़ी, मैंने फ्राइज खाने मुझे बना के, तो मैं मुझसे तो नहीं बनते भाई अपने पैसे, और क्या दिखाओ दिखाओ, ओ बस पिक्चर बना रही थी, मैं वीडियो बना रही हूँ, बोल क्यों रही हो, मतलब रील बना रही हूँ। चलो रील भी बन जाएगी, ऐसे इसके ऊपर कुछ और कर लो, और दूसरे पैकेट में से जी ये बरामद हुआ है जिंगर बर्गर, ये देखें मज़ेदार सा, पता नहीं हमने तो इस एज में ये चीज़ें नहीं खाई हुई, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, हमें अभी भी उस तरह अच्छी नहीं लगती जिस तरह आज के बच्चों को अच्छी लगती है, हमें वही रोटी सालन देसी फूड अच्छा लगता है, पर इन्ना जी ए चीज़ा चंगी लगती है, ये देखिए